हेलो गाइस, जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई आशीष में। तो कैसे हैं आप सब? तो जुड़ जाइएगा सभी लोग, और हम लोग आज फिर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में नंबर सीरीज, ठीक है ना। ये अपनी यूपीपीए स्पेशल की सेकंड क्लास होने वाली है, और हमने कल इस पे फर्स्ट क्लास देखी हुई थी, ठीक है ना। और अपनी जो क्लास है वो डेली शाम 7 बजे होती है, क्लियर। चलो, तो एक बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन वे में हमें पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है इस बार, क्लियर है ना। तो सिलेक्शन इस बार में चाहिए और सबको चाहिए। तो रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई सा भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर रहेंगे और सारे क्वेश्चन आ जाएंगे यदि आप लोग मुझसे शुरू से लेकर अंत तक जुड़ रहे हैं, तो क्लियर है ना। और जो कल क्लास हुई थी उस पर मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज आज नहीं चलेगा, आज मैं आपको एक टाइमर दूंगा। क्लास किस प्रकार से होनी है वो भी देख लो। आज मैं आपको एक टाइमर दूंगा, टाइमर में आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, और 15 सेकंड बाद मैं उस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी स्पीड है वो बेहतरीन हो जाएगी। शुरू में दिक्कत होगी यदि कोई बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है कि मेरा 15 सेकंड में नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे करते करते, क्लियर है ना। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो नंबर सीरीज मतलब अक्षर श्रृंखला, ये अपनी सेकेंड क्लास है, मतलब ये है पार्ट टू डे टू, क्लियर। चलो, इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। इस पे होता है स्क्वायर क्यूब, मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, ज़्यादा नहीं। इस पे क्या होता है स्क्वायर क्यूब, आपको याद हो गए होंगे, मैंने आपसे कल कहा था। इसके बाद होता है स्टेप फॉर्म और ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये मान के चलो इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा होता है मिक्स सीरीज, इनमें से कोई ना कोई सीरीज मिक्स कर देता है इन तीनों में से, ठीक है ना, मिक्स मिक्स कर देगा। देखो, स्टेप फॉर्म की एक खासियत ये होती है कि ये एक साथ बढ़ता जाता है या एक साथ घटता जाता है, और स्क्वायर क्यूब में ये होता है कि ये मतलब तुरंत से बढ़ जाते हैं, एकदम से बढ़ जाता है और एकदम से घट जाता है, क्लियर है ना। और ये आपकी जो मिक्स सीरीज होती है इसमें किस प्रकार का होगा कि मतलब यदि आपका जो पहला लेटर लिखा होगा या पहला नंबर लिखा होगा वो छोटा होगा, इसके बाद आपका अगला बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसे करके छोटा बड़ा करते करते पहले बड़े से भी स्टार्ट हो सकते हैं और छोटे से भी स्टार्ट हो सकता है। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी, क्लियर है ना। तो आज मिक्स क्वेश्चन देखेंगे इन्हीं सब में, मतलब इन्हीं सबसे लेके एक मिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। चलो, और इसकी टाइमिंग रहेगी आपकी 15 सेकेंड, ठीक है ना। तो टाइम स्टार्ट होता है अब, कि मैंने इस पे कल काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, लगभग 25-26 क्वेश्चन करवाए थे। आज टारगेट है अपना कितने का, 30 क्वेश्चन 30 मिनट, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन 30 मिनट, टाइम अप। चलो बताते हैं, इस पे क्या है, 122 197 290। तो सबसे पहले आप लोग इस पे क्या कर सकते हो, बढ़ रहे एकदम से बढ़ रहे, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इस पे एक बार आप लोग स्टेप फॉर्म लगा के देखिएगा क्या स्टेप फॉर्म से हो रहा है क्या। तो स्टेप फॉर्म क्या होता है कि अंतर निकालना होता है, अंतर या माइनस करना होता है, जो भी आप लोग समझ लो, ठीक है ना। तो 7 से 2 माइनस करेंगे आएगा 5, 9 से 2 माइनस करेंगे आएगा 7, क्लियर है। चलो, अब इसका और इसका देखते हैं। तो इसका और इसका यदि अंतर देखें तो 10 से 7 जाएगा आएगा 3, और 8 से 9 जाएगा कितना आएगा, यहाँ आएगा 9, क्लियर है, सबको क्लियर है ना। हाँ, तो देखो इस पे आ गया 75, इस पे आ गया 93। अभी देखो हमें कोई सा भी लॉजिक इस पे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम ये तो ये नहीं कर सकते ना कि इसका अंतर निकाल लें फिर आगे कर लें, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। इस पे कोई और लॉजिक लगाए, ठीक है ना। तो एक बार क्या करो, स्क्वायर क्यूब लगा के देख लो क्या स्क्वायर लगाएगा। तो आप लोग कोशिश ये करना कि 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लो, और 1 से 10 तक क्यूब याद कर लो, ठीक है। जैसे 4 का सॉरी, जैसे आपने कुछ स्क्वायर याद किए, ठीक है ना, तो उनके एक डिजिट आगे का भी आपको आना चाहिए और एक डिजिट पीछे का भी आपको आना चाहिए, एक डिजिट दो डिजिट आगे और पीछे के आपको आने चाहिए। तो इससे जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं इस क्वेश्चन को करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये लगभग 121 के आसपास है, मतलब 11 का स्क्वायर + 1 लिखा हुआ है। आप लोग यदि इसको गौर से देखो, कितने का, 11 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 121 + 1 कितना हो गया, 122।
ये कितना लिखा हुआ सर? ये 196+1 लिखा है। 196 का मतलब होता है कि ये 14 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, क्लियर है। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये 289 के आसपास है, 289, ठीक है ना। तो 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 290, क्लियर है। तो अब इसमें इसमें आप लोग रिलेशन देखो कि रिलेशन क्या बन रहा है। एक मिनट, मैंने निप नहीं लिखा, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इस सेटिंग देख लेता हूँ एक बार। अब सही है, अब सही है इस पे। हाँ, अब देखो यहाँ पर है 11, यहाँ है 14, यहाँ है 17। तो 11 और 14 के बीच का अंतर देखेंगे कितने आएगा, 3 का अंतर। 14 और 17 के बीच का अंतर देखेंगे, 3 का अंतर आएगा। क्यों अंतर देख रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या आएगा, वो चाहिए होगा ना। तो आगे भी कितने का अंतर आएगा? 3 का अंतर आएगा। तो 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? 401, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 और 1 का स्क्वायर, सॉरी, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 401, ठीक है ना। चलो, तो अपना क्वेश्चन ये, मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 401। अगला, मतलब आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास है टोटल 15 सेकेंड। तो सीखते टाइम थोड़ा टाइम लग जाए, उससे आपको घबराना नहीं है, क्लियर है ना। हाँ, आपको आना चाहिए बस। तो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, आपका टाइम अप होता है। और अब देखो क्या है इस पे, इस पे 9, 17, 44, 108, 233, ठीक है ना। चलो इस पे आप लोग क्या करो, अंतर एक बार निकाल के देख लो, स्टेप फॉर्म ही सबसे पहले लगा लो। देखो मैं बता दूँ आपको करना क्या है, कि सबसे पहले आप लोग स्टेप फॉर्म पे ही जाया करो, ठीक है। यदि आपको स्क्वायर और क्यूब नज़र नहीं आता है तो, क्लियर है। हाँ, यदि आपको डायरेक्ट प्लस माइनस गुणा भाग मिल रहा है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्लियर है ना। चलो इसके बीच का अंतर देखा जाए तो यहाँ अंतर है 8 का, इसके और इसके बीच का अंतर देखा जाए तो 7, 7, 14, यहाँ है अंतर 7 और 2, 27 का। आगे का अंतर देखा जाए तो 8 से 4 माइनस करेंगे आएगा 6, कितना आएगा? 8 से 4 माइनस करेंगे आएगा 4, 10 से 4 माइनस करेंगे आएगा 6, कितना आ गया? 64। आगे की यदि मैं बात करूँ तो इस पर कितना आएगा? 3 से 8, तो 13 से 8 घटाओ, कितना आ गया? 5, यहाँ पर 2, 1, 125। तो आपको अब यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, 827, 64 और 125। यदि आप लोग इनको गौर से देखो तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं क्यूब, कैसे क्यूब? देखो ये लिखा है 2 का क्यूब, ये लिखा है 3 का क्यूब, ये लिखा है 4 का क्यूब, ये लिखा है 5 का क्यूब। तो जो इसके इसके बीच का अंतर आएगा वो कितने आएगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता कितना है? 216। तो 216 का इसके और इसके बीच का अंतर आएगा, तो हम 216 233 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया? 639, 314, 224, 449 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यदि आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है ना। चलो इस पर भी आपके पास है टोटल फुल टाइम, फुल टाइम है आपके पास, करो 7, 8, 10, 13, 17। ये तो एकदम से आसान है, कर लो। एक दो सेकंड इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 और 8 के बीच का अंतर स्टेप फॉर्म लगाएंगे ना, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, आगे क्या आएगा? 5 का अंतर आएगा। तो 7, 5 कितना हो गया? 22। तो 22 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लियर है ना। 22 होता है, 22 नहीं। चलो 22 स्टार्ट, टाइम अप, सॉरी टाइम स्टार्ट, अब तो बाद में होगा, 15 सेकंड बाद। चलो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। 6, 24, 12 क्वेश्चन मार्क, 18, 8, 24, 0 पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो क्या आएगा इसको आप लोग बताओ जल्दी से, स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 6 है, मतलब 6 है, फिर 24, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 18, फिर 8, फिर 24, फिर 0। यहाँ पर देखो छोटा है, फिर बड़ा, फिर छोटा, यहाँ का तो पता ही नहीं, ये आ गया, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिक्स सीरीज होगी, ठीक है ना, कहीं ना कहीं क्या होगी? मिक्स सीरीज होगी। तो यहाँ पर देखो 6 से 12 का देख लो, 12 से 18 का देख लो, 18 से 24 का देख लो, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, ठीक है ना। तो यहाँ कितने कितने का अंतर है सर? 6 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है, आने दो। 24 और इसके बीच का अंतर कितना है? पता नहीं है,
इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? नहीं बता। 8 और 0 के बीच का अंतर कितना है सर? ये तो फिर 8 का है, कोई बात नहीं, 8 का है ना, ठीक है। तो 24, देखो यहाँ पर अंतर 8 का आ रहा है, देखो ऊपर तीनों में 6 6 6 का अंतर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 8 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 8 का अंतर आएगा, यहाँ भी 8 का अंतर आएगा। अब हमें चेक करना होगा कि क्या आ रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो 24 से 8 घटाएंगे कितना आएगा सर? 16 आ जाएगा, ठीक है ना। और 16 से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 16 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना? 8 24 से 8 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम स्टार्ट होता है अब आपका। 138 1942 फिर है क्वेश्चन मार्क। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को और 15 सेकेंड कंप्लीट होने वाले हैं। जल्दी फास्ट, टाइम अप हो गया। अब देखो यहाँ पर है 138 19 फिर है 42, क्या है? फिर है 42 42 42 42, क्या होगा? अंतर निकालेगा। चलो देखो कितने का अंतर है, 2 का। आगे कितने का अंतर है सर? 5 का। फिर आगे कितने का अंतर है? 11 का, ठीक है। फिर आगे कितने का अंतर है, कितने का अंतर आ रहा है आगे? तो 12 से 9 माइनस करो कितना आएगा? 3। और 3 से 1 माइनस करो कितना आएगा? 2। कुछ दिख रहा है क्या? 2 5 11 23। नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके बीच का एक बार और अंतर निकाल लेते हैं। वैसे दिख रहा है हमें, दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है पता है हमें। कितना है? 3 है। इसके बीच का अंतर 6 का है। इसके बीच का अंतर कितने का है? 11 सॉरी 12 का है ना। कितने का अंतर? 12, मतलब 3 फिर 6 फिर 12। इसके बाद आगे का अंतर यहाँ पर कितना होगा? 24 का होगा। तो 24 और 23 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। 23 दूनी 46, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा 47, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 47। अब 42 और 47 को जोड़ देंगे तो यहाँ जो आएगा वो मिल जाएगा हमें। तो 72 कितना हो गया? 9। और 448 कितना हो गया? 89। तो 89 अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो इसको हम लोग एक प्रकार से और कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट दिखाते हैं तुम्हें, कैसे होगा? नोट कर लो, इसको नोट करना है, ठीक है। थोड़ा आज ऐप शायद फंस रहा है ये वाला, ठीक है ना, बफर कर रहा है। चलो एक काम ये करो, ये 1 से 3 कैसे बना होगा? यदि मैं 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, फिर मैं 1 कर दूं तो 3 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। यदि मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 कर दूं तो आएगा क्या? 3 2 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। क्लियर है? 8 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करके +3 कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। 8 2 16 3 19 आ गया। 19 में यदि मैं 3 का गुणा कर दूं, सॉरी 2 का गुणा कर दूं +4 कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? 19 2 38 39 40 41 42, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 इसमें क्या करते हैं? 2 का गुणा कर दें और यहाँ पर प्लस का 5 कर दें। तो 42 दूनी कितना होगा? 84। 84 5 कितना होगा? 89, मतलब 89। क्लियर है? ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। जल्दी से बताओ, तो हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। इसको यह धीमा लग रहा हो तो कल या परसों क्लास से मैं अपने स्पीड पकड़ लूंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या है? 3 सॉरी 4 3 2.5 2.25 अंतर निकालते हैं यहाँ पर। इसके इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ अंतर आ रहा है 1 का। इसके इसके बीच का अंतर आ रहा है 0.5 का, माइनस हो रहा है, ध्यान देना क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसके इसके बीच का अंतर कितना है? 2.5 से 2.25 माइनस करो तो ये आएगा 0.25, इतने का अंतर है। क्या है? इतने का अंतर है, ठीक है, 0.5, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर 0.25 हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, यदि मैं 1 में 2 से भाग देता हूँ तो 0.5 मिलेगा। यदि मैं 0.5 में 0.25 का
सॉरी 0.5 में मैं 2 से भाग देता हूँ तो 0.25 आएगा। यदि मैं 0.25 में 2 से भाग दूँ तो कितना आएगा, उसमें आएगा 0.125। क्लियर ना? तो इस 1 मिनट, सॉरी बट फोन आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैंने हटा दिया उसको। 0.125, क्लियर? इतना इससे माइनस करो, कितना आएगा? जैसे इसको माइनस करेंगे तो 2.25 माइनस करो, तो यहाँ से आएगा 5 से 5, यहाँ आएगा 0, सॉरी 5, क्योंकि यहाँ 0 होगा ना, यहाँ आएगा 5। 4 से 2 माइनस करेंगे आएगा 2, 2 से 1 माइनस करेंगे आएगा 1.2, तो 2.125 अपना ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना? अरे फोन डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा, मतलब आ जा रहा था ना बार बार। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। अगले के लिए भी आपको टाइम मिलेगा पूरा 15 सेकंड। 15 सेकंड टाइम बहुत होता है, अगर एक बार दिमाग में क्लिक कर गया ना क्वेश्चन तो फिर एकदम आसान, ये मान के चलो। क्लियर है? तो फिर क्या हो जाएगा, एकदम से आसान हो जाएगा। टाइम अप हो गया, देखो टाइम अप। चलो बताते हैं, यहाँ 121 से 222 का हम लोग अंतर देखेंगे, क्योंकि हमें स्टेप फॉर्म ही लगानी है यहाँ पे भी। इसके बीच का अंतर कितना होगा, 101, 101 का अंतर आ रहा है, कितने का, 101, 101 का अंतर आ रहा है। आगे देखते इसके इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा, 0, 2, 202 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब जो आगे अंतर आएगा वो कितने आएगा, 303 का अंतर आएगा, ठीक है ना? तो 303 इसमें ऐड कर देंगे, 4 से 24 में कितना आएगा, 437। 101 हो गया, 202 ही का तो अंतर आ रहा है, ध्यान दो इस पे, 22 2 24, 202 ही का आ रहा है अंतर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 437 2, 437 27 नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक काम इस पे करते हैं, क्या काम इस पे, एक काम ये करते हैं कि अगर देखो 727 होता तो हम लोग आंसर लगा देते, लेकिन यहाँ पर आंसर मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम करेंगे, 101 का ये डबल लिखा हुआ है 202, तो यहाँ पर गुणे दो हुआ तो आगे भी क्या होगा, गुणे दो होगा, तो 202 का 2 गुना कितना होगा, 404, कितना हो जाएगा, 404। अब क्या करो, 424 में 404 ऐड करो, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 828। तो 828 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको फिर मिलने वाला है पूरा 15 सेकेंड, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो हमें, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, और एक काम करना, क्लास एंड हो जाए तो शेयर वेयर कर देना इसको, ठीक है, मन करे तो, क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है, ठीक है, कर दोगे तो पता है मैं। चलो अंतर देखते हैं इसके बीच का, एक का अंतर आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है 2 का अंतर, फिर यहाँ पर आ रहा है 4 का अंतर, आगे फिर आ रहा है 8 का अंतर, 1 2 4 8, मतलब ये सबका डबल हो रहा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ कितने का अंतर आएगा, 16 का, तो 16 दूनी 32, 1 33 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे 2 20 56 110 क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे, जल्दी से बताओ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। अब आप लोग ये ना सोचना कि ये केवल यूपीपी के लिए है, ठीक है ना, यूपीपी तो है ही, लेकिन आप लोग यदि और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर है? चलो एक बार इन क्वेश्चंस को देखना, सर्च करना मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, तो आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर कितना आया है, 18 का अंतर आया है। इसके बीच का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 36 का अंतर आ रहा है। इसके बीच का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 54 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 18 दूनी 36, 18 तिक्का 54, 18 चौक कितना होगा, 72, तो 110। और इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या के बीच का अंतर 72 का आएगा, तो 110 में 72 हम लोग ऐड कर देंगे, तो 182 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, और फिर आपको मिलता है टोटल, टोटल टाइम कितना, जल्दी बताओ क्वेश्चन का आंसर, टाइम ना बताने लगना अब, ठीक है, टाइम तो पता है भैया 15 सेकंड है, तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, टाइम अप बताएं। देखो यहाँ है 5 11 21 43 85, तो आप लोग यहाँ पर देखो 5 से 11 कैसे बना,
तो 5 से 11 बनने का एक तरीका ये है कि इसमें मल्टीप्लाई 2 हुआ होगा प्लस का 1 हुआ होगा, तो 5 दूनी 10 1 कितना हो गया, 11 हो गया। चलो आगे का देखते हैं, तो इसमें देखो 11 गुणे 2 माइनस 1 हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 11 दूनी 22 माइनस 1 कितना हो गया 21। अब आगे का देख लो, इसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो रहा है, मतलब 21 दूनी 42, 42 1 कितना हो गया 43। आगे का देखेंगे तो मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 करेंगे तो 43 दूनी 86 माइनस के 1 कितना हो गया 85। इसका मतलब हम लोग आगे का देखेंगे तो मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 1 क्या होगा, प्लस का 1, तो 85 दूनी कितना होगा, तो 8 दूनी 16, 170, 170 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 171, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताओ जल्दी से, ये तो आसान है क्वेश्चन, जल्दी से बता दो इसको। 512, 256, 128 क्वेश्चन मार्क और 32, 16, 8, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। टाइम अप हो गया इसका। अब देखो यहाँ पर है 512, 256, 128, तो आप एक काम करो, 8 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 16 हो जाएगा, हो जाएगा सर, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करवा दो तो 32 मिल जाएगा, 128 में 2 का गुणा कराएंगे 256 मिलेगा, 256 में 2 का गुणा करवाएंगे 512 मिलेगा, इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा करवाने से आंसर आ जाएगा, तो 32 दूनी होता है 64, अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन है अगला, ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन है, ध्यान देना, कितना टोटल 30 क्वेश्चन, 30 30 क्वेश्चन, 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, फिर है क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताओ इसको। अंतर कितने का अंतर आ रहा है इस पे, तो 15 5 20 3 23, इसमें आ रहा है सर 0.8 का अंतर, ठीक है। इस पे बताओ, इस पे सर इस पे भी आ रहा है 0.8 का अंतर, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले का तो बता दो, तो सर इसमें भी आ रहा है 0.8 का, आगे कितना आएगा, इसमें भी सर आएगा 0.8 का, वेरी गुड, क्या होगा, वेरी गुड, आपको आ गया, तो 9 8 17 की 7 हासिल, 1 3 1 4, 4.7 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन वा को करते हैं, जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन वा के आंसर, वा जल्दी से बताओ क्वेश्चन के आंसर, टाइम इसमें दूंगा मैं आपको टोटल 20 सेकेंड, 5 सेकेंड एक्स्ट्रा, चलो 5 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से बता दो इसको। क्या होगा, 8 के बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर 30 है, 105 है, लगाएं क्या स्टेप फॉर्म, देखो ये एकदम से बढ़ रहा है, स्टेप फॉर्म थोड़ा छोटा मोटा के लिए होता है कि प्लस माइनस देख लिया जाएगा, स्टेप फॉर्म से आएगा लेकिन बढ़ा जाएगा, तो एक काम करते हैं कुछ देखते हैं इस पे, ये यहाँ पर कितना लिखा है 30, अब देखो 8 से तो हम कुछ खोज नहीं पाएंगे कि 8 से क्वेश्चन मार्क आ जाए, नहीं अभी नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे अभी हम देखेंगे, 30 और 105, 30 से 105 कैसे बना सकते हैं, यदि मैं सर 30 में 4 का गुणा करके -15 कर दूं तो बन जाएगा, या फिर इसमें 3 का गुणा करके +15 कर दें तो भी बन जाएगा, करवा दो, चलो चेक करते हैं, 3 का ही गुणा करके +15 कर दो, ये कितना बन जाएगा 105, चलो आगे का देखते हैं, 105 से ये कैसे बनेगा, तो यहाँ 1 है यहाँ 4 है, इसका मतलब ये 4 गुना जाएगा, कितना जाएगा 4 गुना, तो +15 किए ना, चलो 4 गुना ले जाएंगे, कितना आएगा, 4 5 20, 4 91 में 4, ये आ गया भैया 420, 420 के आगे कितना है, तो सर 420 के आगे आ रहा है, तो सर बहुत जा रहा है आगे, यदि मैं इसके आगे की बात करूँ तो 0.5 और 52, 52.5 आ रहा है, क्या आ रहा है 52.5, तो इस पर कुछ और होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 52 आ रहा है, और कुछ ध्यान दो इस पर, क्या और कुछ देखो इस पर, यदि मैं एक काम ये करूँ, देखो इस पर जो अंतर आ रहा था उसमें आगे प्लस का 15 था ना, कितना था +15 था ना, मतलब 30 का आधा है +15, इसका मतलब क्या ये 3.5 गुना नहीं है क्या, 3.5 गुना है सर, 3.5 गुना है, तो अच्छा ये बताओ ये कितने गुना है सर, ये भी 3.5 गुना होगा, तो 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक काम करो 105 में कर लो गुणा इतने का, तो
तो 7 × 35, 700 कितना आ गया, 35। 735/2 करेंगे हमें कितना मिलेगा, 300 कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 400 है। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब जो ये है, ये एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 4.5 का मल्टीपल तो नहीं है। 4.5 तो 9/2, 9 × 45, 9 × 99, 945/2 करेंगे, क्योंकि 4.5 का मतलब होता है 9/2, ठीक है ना। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौके हो गया 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आ गया 472.5 आ रहा है सर। इसका मतलब पहला वाला है 3.5, अगला वाला है 4.5। इसका मतलब जो आगे ये लिखा है, ये कहीं ना कहीं 5.5 है, और इसके पहले ये कहीं ना कहीं, देखो ये है, सॉरी, ये कहीं ना कहीं, इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, ये इसके ये वाला, ये कहीं ना कहीं 2.5 होगा, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं 1.5 होगा। तो 8 × 1.5 करो कितना आएगा, 8 × 91 8, और 8 × 4 12, तो 12 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक काम कर लो, 12 में 2.5 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या 30 आ रहा है क्या? अगर 30 आ रहा है तो अपने क्वेश्चन का आंसर एकदम से राइट है, ठीक है ना। तो 12 × 2 = 24, 24 × 36 आ रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो इसको भी देखते हैं हम लोग, जल्दी से करो। तो करने वाले थे स्पीड में, और आप लोग देख सकते हो 26 मिनट तो हो ही गया है, अभी तो आधे क्वेश्चन पड़े ही हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। देखो इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, तो सर इसके बीच का अंतर आ रहा है हम लोग का 81 का। इसके बीच का अंतर हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे इसके इसके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इसके बीच का अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 6, और 40 से 37 आ गया 3, 36 आ गया, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 45 ये आएगा अंतर, 25 का। आगे का अंतर देख लेंगे तो यहाँ पर आएगा 29, 31 आएगा यहाँ पर 16 का अंतर, क्लियर है। तो 16 25 36, मतलब ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, तो इसके बीच का अंतर आएगा 7 का स्क्वायर, कितना होता है 49, और इसके इसके बीच का आएगा स्क्वायर 8 का स्क्वायर, कितना होता है 64, फिर आगे 9 का स्क्वायर लिखा है। तो एक काम करो, चाहे तो 519 में 64 माइनस कर दो, या 406 में 49 जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, 49 को इसमें ऐड कर देते हैं, तुम्हें ये मिल जाएगा। तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 4 1 5 455, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाहे तो 519 में 64 माइनस कर लो, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कितना, 455, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, और आपको यहाँ पर भी टाइम मिलेगा टोटल 20 सेकेंड का, जल्दी से करो यहाँ पे। जल्दी से, 37 मिनट में ना हो पाए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं थोड़ा से, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, 104 00 है, 2600 है, 650 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 40.625 है, इसके बाद 10.15625 है, फिर है 2.530625, ठीक है। चलो देखो इसमें कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करूँ तो 26 का ये 4 गुना लिखा है, 26 चौके 25 चौके 100 ना, तो 26 चौके 104, तो ये लगभग 4 गुना है, ठीक है। तो यदि मैं इसमें 4 का डिवाइड लगा दूं तो हमें ये मिल जाएगा 2600, यदि मैं 2600 में 4 का डिवाइड लगा दूं तो हमें मिल जाएगा 650। देखो 4 × 6 = 24, 20 × 4 = 20, कितना मिल गया, 450। तो जो हम यदि यदि हम 4 650 में 4 का डिवाइड लगाते हैं तो हमें ये वाला अंक मिल जाएगा। देखते हैं, 4 × 91 = 4, 25 × 4 = 24, 1 × 10 = 4 2 = 8, 4 × 5 = 20, कितना आ गया, 462.5। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। अब आपको ये फाइंड करना है तो इसमें आप लोग 4 का भाग दे दो, आ जाएगा, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से करो। 0.52, 4.58, 12.5, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, जल्दी करो। टाइम अप। तो इसके बीच का यदि मैं अंतर देखूं तो इसके बीच का अंतर आ रहा है 1.5 का, ध्यान दो। आगे का अंतर आ रहा है 2.5 का, आ रहा है क्या 2.5 का, ठीक है। आगे का अंतर कितना आ रहा है, 4 × 3 = 7, मतलब 3.5 का। आगे का अंतर देखेंगे तो 4.5 का आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे का अंतर कितने का आएगा, 5.5 का। तो 12 5 17 1 18, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, इस अच्छा ये भी क्वेश्चन सेम ही तो है। चलो
सेम क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन 29 हो गए, क्वेश्चन है पूरे 30 लिए, रिपीट कर गया होगा। चलो इसको जल्दी से बताओ, 07631 24, जल्दी से। इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ दम, क्या इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं कुछ दम, ठीक है, लेकिन बहुत दम है, बहुत दम है इस पे। देखो टाइम अप हो गया, देखो ये 124 देख के आपको और 63 देख के आपको एक चीज़ तो याद आई होगी कि ये है 64 के करीब, मतलब कि 8 का स्क्वायर माइनस 1 का करीब, ठीक है, करीबी है ये। चलो और ये कितना लिखा हुआ है सर, 124, तो सर 124 तो किसी करीबी नहीं है, अब क्या करेंगे सर। हाँ ये करीबी है, किसका, 5 का क्यूब माइनस 1 का, है दिमाग आपके पास बहुत ज़्यादा, ये इतना ही होता है, लेकिन हमारे पास एक दिमाग कम हो गया था क्योंकि हमने इसको स्क्वायर कर दिया था। यहाँ पर क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 1 कर लो, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 1 हो गया 63। ये जो 7 लिखा है ना, इसका मतलब 2 का क्यूब माइनस 1 है, इसका मतलब 1 का क्यूब माइनस 1 है, ठीक है ना। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, अब यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ होगा 3 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1 कितना होता है, 3 त्रिकोण 27 माइनस 1 आ गया यहाँ पे 26, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको करो जल्दी से, यहाँ है 53 40 27, जल्दी से करो, आपके पास टोटल फुल टाइम मिलेगा आपको 15 सेकंड का, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, 15 सेकंड। टाइम अप, अब देखो अंतर निकालते हैं इसके बीच का, कितना कितने का अंतर है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके बीच का अंतर है 13 का, आगे का अंतर देखो यहाँ भी 13 का, तो आगे का अंतर कितने का आएगा, 13 का आएगा, तो 7 से 3 गया आएगा 4 1 14, आपने क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला इसको करो जल्दी से, जल्दी से जल्दी से कर लो इस क्वेश्चन वाला को। अरे छोड़ो, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, 15 17 20 22 27 29 क्वेश्चन मार्क। एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, क्या है, कुछ नहीं है सर, स्टेप फॉर्म लगाते हैं इसमें, तो अंतर कितने का है, 15 2 17 17 3 20 20 2 22, 22 5 27 27 2 29 27 2 29, तो 2 का अंतर, 3 का अंतर, 2 का अंतर, 5 का अंतर, 2 का अंतर, कितने का अंतर आएगा, 7 का अंतर, फिर आगे 2 का अंतर, तो 9 7 16 हो गया 36 36 38, अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, फिर आपको टाइम मिलता है उतना ही जितना मिलता है हर क्वेश्चन में, 15 सेकंड का, तो 3 5 8 13 21 21 34 55, क्वेश्चन मार्क, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। हो गया टाइम अप, हो गया टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर से 2 का आ रहा है, ठीक है, अंतर 2 का आ रहा है, पता है मैं भी, चलो लिख दो 2, इसके बीच का अंतर 3 का, आगे का अंतर 5 का, आगे का अंतर 7 8 का, ठीक है, आगे का अंतर 13 का, फिर अंतर 21 का। तो एक काम आप लोग कर सकते हो ना, 2 3 5 8 13 21, आगे फिर देखोगे तो फिर ये अंतर मिलेगा, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर और ऑलरेडी दिख रही होगी, मन की आंखों से देखो उसे। देखो यदि मैं 3 और 5 को ऐड कर दूँ तो 8 मिल जाएगा, 8 और 5 को ऐड करूँ 13 मिल जाएगा, 13 5 ऐड करूँ 21 मिल जाएगा, 21 13 34 मिल जाएगा, 34 21 55 मिल जाएगा, इसका मतलब 55 और 34 जितना भी आएगा वही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ यहाँ हो जाएगा 5 4 9, 5 3 8 9, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका टाइम अप। तो यहां पर देखो यदि मैं इसके बीच का अंतर निकाल लूं, तो अंतर निकालने पे यहाँ पर आ जाएगा ये कितना आएगा, 9 से 8 1 आएगा, यहाँ तो 21 आ गया, इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 13 से 9 जाएगा आएगा 4, और 10 से 2 जाएगा कितना है, हाँ 13 से 9 जाएगा आएगा 4, 10 से 2 जाएगा आएगा 8, ठीक है। आगे का अंतर निकालते हैं तो 9 से 6 3 जाएगा आएगा 6, और यहाँ पे 4 से 1 जाएगा आएगा 3, यहाँ पे 336। यदि मैं यहाँ पर देखूँ
21 का ये 4 गुना लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 84 का कितना गुना है, शायद 4 गुना है, लेकिन एक बार मैं इसको चेक करूंगा। तो 4 चौक 16 की 6, 4 8 32, 1 33, हाँ 4 गुना है। इसका मतलब जो भी आएगा वो इसका कितना आएगा, 4 गुना आएगा, तो 4 गुना आएगा ना, तो 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 दो 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, तो 1344, 1344 में 449 ऐड करेंगे तो 13 4 होता है 17, तो 1793 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, और आपको टाइम फिर से मिलता है टोटल 15 सेकेंड। जल्दी से, इस पर 6 है, 7 है, 18 है, 23 है, 38 है, 38 38, जल्दी से बताओ, टाइम अप। चलो यहाँ पर मैं अंतर देखूँ तो आ रहा है 1 का, फिर आ रहा है यहाँ पर अंतर 7 2 14, 7 4 11 का अंतर आ रहा है, इसके बीच का अंतर देखूँ तो 18 2 20 5 का अंतर आ रहा है, इसके बाद इसके बीच का अंतर मैं देखूँ तो इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 23 से 38, तो 8 से 3 जाएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर 1 15 का अंतर आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ 1 का 11 का 5 का 15 का। अब यहाँ पर देखो ये मिक्स सीरीज लग रही है, अब देखो ये कैसी सीरीज लग रही है, मिक्स, पहले देखो 1 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 15, देखो इसके बीच का अंतर कितने का है, 4 का, इसके बीच का अंतर कितने का है, 4 का, तो इसका मतलब इससे और इसके आगे वाले का अंतर कितने का आएगा, 4 का, तो 5 4 कितना हो गया, 9, ठीक है ना, तो 38 में 9 ऐड करेंगे तो 9 8 17, 47 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, और ये है 1 2 3 14 5 34 7। अच्छा यहाँ पर देखो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो बड़ा छोटा है तो इसका मतलब मिक्स है, चलो मिक्स कर दो इसको, तुम मिक्स बनाओ मिक्स जल्दी से, आपका टाइम अप तो होता है, अप 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 अप, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, चलो मिक्स ही लगाते हैं इस पे, 1 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, 7 के बाद क्या होगा, 9, क्योंकि 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, लास्ट में कितना आएगा, 9, तो ये ऑप्शन तो गलत, ये भी गलत, चलो अब आगे का देखते हैं। यहाँ पर 2 से 14 बना है मतलब 12 का अंतर है, ये 14 से 34 बना है मतलब 20 का अंतर है, तो 12 और 20 के बीच में कितने का अंतर, सर 8 का अंतर, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का अंतर 8 का आएगा, मतलब कितने का अंतर होगा टोटल, 28 का, तो 8 4 12, लास्ट में 2 मिलाना, तो 60 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को करो, अच्छा ये क्वेश्चन सेम है या, 7 के बाद 7 34 34, एक काम करते हैं चलो इसको करो, 9 27 31, 155 61, इतना आगे क्या आएगा बताओ, टाइम अप, मैं बताऊं, चलो देखो यहाँ पर है 9 त्रिक 27 गुणे 3, फिर 27 4 31 +4, ये फिर देखो गुणे 5 आ रहे हैं, 5 91 में 5 5 3 15, ठीक है ना, तो आगे 5 के बाद यहाँ पर कितना आएगा, +4 आना चाहिए, कितना है 155, 155 में कितने का अंतर आ रहा है, 161 के बीच में, तो 6 का अंतर आ रहा है, तो +4 हुआ +6 हुआ, इसके बीच का अंतर या कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 का या 7 का, इसके बीच का देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 का, तो देखो 3 का 5 का 7 का, आगे जो होगा उसमें 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है 4 यहाँ है 6, तो 4 6 आगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 8 35, तो 1165 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, जल्दी से, यहाँ है 33 28 24, अच्छा ये एकदम घट रहा है ना, घट रहा है, देखो स्टेप ही लगा दो, स्टेप लगा दो, शायद माइनस का आएगा, माइनस वाला है ना, चलो इस पे लगाएंगे स्टेप, कितना हो जाएगा, टाइम अप करते हैं इसका, तो 28 2 30 5 का अंतर इस पे आ रहा है,
इसके बीच का अंतर की बात करें तो इस पे चार का अंतर आ रहा है, इसके बीच का अंतर आ रहा है एक का, इसका मतलब यहाँ पर अंतर आएगा तीन का, इसके बीच का अंतर आएगा दो का। तो 24 से तीन घटाएंगे 21 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग हमें बता दो। इस पे 7, 26, 63, 124, 215, 332, 342, 342, 342। चलो हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप। चल दो, ये 7 है 26, 7 देख के अब तो पता चल ही गया होगा ना, ये लिखा है 2 का क्यूब माइनस 1। क्या है 2 का क्यूब माइनस 1? ये है 3 का क्यूब माइनस 1, ये है 4 का क्यूब माइनस 1, ये है 5 का क्यूब माइनस 1, ये है 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1, 8 का क्यूब माइनस 1। 8 का क्यूब होता है 512, 512 माइनस 1 511, कितना हुआ 511। चलो आगे बताओ, आगे बताओ इस क्वेश्चन को। 04, 18, 48, 100 और 180। आगे है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा इसकी जानकारी दोगे आप लोगों में जल्दी से। टाइम अप हुआ, यहाँ पे टाइम अप तो हो गया। चलो अंतर इसका निकालते हैं, स्टेप फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं स्टेप फॉर्म, कितने का अंतर है 4 का, आगे 14 का, फिर आगे सर 8, 30 का, इसके बाद आगे का देखते हैं कितने का, 52 का, आगे फिर देख लो 80 का अंतर, ठीक है ना। तो अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, 4, 14, 30, 52, 80, आगे का देखते हैं। और आगे ऊपर देखो अंतर कितने का, 10 का, फिर यहाँ पर अंतर कितने का है 16 का, फिर आगे का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 22 का, आगे का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 32 का। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, 10, 10, 6, 16, 16, 6, 22, 22 से +10 हो गया। ध्यान दो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ इसके अंतर देखा जाए तो 6 का है, इसके अंतर देखा जाए तो यहाँ भी 6 का है, आगे भी तो अंतर 6 का होना चाहिए। तो ये स्टेप फॉर्म से नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है, स्टेप फॉर्म से नहीं आ रहा है, अभी हमें कुछ और सोचना होगा, क्या करना होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। आएगा, ऐसा नहीं नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पे। तो एक चीज़ आप लोग देखो, ये लिखा है 0, 0 तो नहीं बना पाएंगे, ये देखो 2 का स्क्वायर, अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का स्क्वायर गुणे 2 कर सकते हैं, नहीं होगा ऐसे। एक काम कर लो, इसको क्या हम 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर लिख लें क्या? 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 8 से 4 माइनस करें कितना मिल जाएगा 4। इसको क्या मैं लिख लूँ क्या, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब होता है 9, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 27 से 9 माइनस करेंगे 18 लिखेंगे। इसको क्या लिख दूं क्या, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो ध्यान दो 4 चौक 16 चौक 64, 64 से तुम 16 घटाओगे 48 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे हम लोग 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 125 से 25 घटाओगे 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, ये आगे वाला होगा 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 का क्यूब कितना, 7, 7, 49, 7, 343, 343 से आप लोग 49 माइनस करोगे कितना आएगा, 13 में 9 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 9, 294 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक तरीका और आ रहा है दिमाग में, शायद हो जाए उससे भी, नोट कर लो इसको, ठीक है, रेज करता हूँ मैं, स्क्रीन शॉट ले लो, अभी भी ले लो, ले लिया, हटाएं, चलो हटा देते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, तो ये इसको क्या मैं 3 का स्क्वायर गुणे 2 लिख दूं क्या, 3 दुगुना 9 दुनिया 18, यहाँ 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 3 48, 3 लिख दें, ठीक है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना, 4 लिख दूं, 5 25 25 24, ठीक है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 5 लिख दें, 6 36 25 180, ठीक है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर ये गुणा है, ठीक है, ये प्लस नहीं, ये गुणा है, ध्यान देना। यहाँ 7 का स्क्वायर करके कितना लिख दूँ, 6 लिख दूँ क्या, तो 7 7 49, 49 छक्का 49 6 का, 6 9 का 54 की 4, हाँ सिर्फ 5 6 चौके 24, 25 6 27 28 29, कितना आ गया 294 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। इसको यदि लिखना चाहो तो 2 का स्क्वायर गुणे 2 लिख दो, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा,
एक के स्क्वायर गुणे एक, सॉरी यहाँ पर ये सॉरी वन है ना, यहाँ पर दो का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ हो जाएगा एक का स्क्वायर गुणे जीरो, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक गुणा जीरो करोगे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हो। अगला देखते हैं, और अगले में भी आपको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म ही है अब। 250, 370 और 394, 400, 250, 250, 250, 250, जल्दी करो। 13, 14, 15 हो गया टाइम अप। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 250, 120 का अंतर आ रहा है। आगे का अंतर देखा जाए तो 4, 2, 24 का अंतर आ रहा है। चलो इसके आगे का अंतर देखा जाए तो 4 का आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो कितना का, 6 का अंतर आ रहेगा, सॉरी 6 का अंतर आ रहा है। तो देखो 24 पंचे होता है 120, मल्टीप्लाई 5 हो रहे हैं, यहाँ में यहाँ मल्टीप्लाई 4 हो रहे हैं। ऐसा कोई नंबर दो जिसका मल्टीप्लाई 3 करने पर 6 आ जाए, तो वो संख्या होती है 2। तो 400 में 2 ऐड करो कितना आएगा, 402, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। 7, 13, 21, 31, 43, 57 बताओ, जल्दी से बताओ। टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। देखो ये 7, 6, 13, इस पे 13 कितना होगा, 7, 1, 8, 8 हो गया। इसके बीच का 10, यहाँ पर 12, फिर है 14, 6, 8, 10, 12, 14, फिर क्या होगा, 16 होगा ना। तो 6, 6, 12, 1, 13, 3, 5, 1, 6, 1, 7 कितना हो गया, 73, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो आगे चलते हैं, सॉरी अब क्वेश्चन तो एंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, द एंड, द एंड, द एंड, द एंड। चलो तो एक चीज और सुन लो मेरी बात, तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज और जो कोडिंग टू कोडिंग है, ठीक है, ये यदि आप देखो इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन कर लोगे उतना ही फायदा होगा आप लोग को, ठीक है। तो अपनी जो क्लास है वो डेली शाम 7 बजे ही चलती है, तो 7 बजे आना ना भूलें। और आज की जो क्लास थी यूपीपीएससीएल पार्ट 2 थी, मतलब डे 2, आज इसका डे कौन सा है, डे 2, क्योंकि वैकेंसी जो है आने वाली है, ध्यान दो, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं और देखते हैं अपने कल की क्लास, ठीक है ना। तो फिर जय हिंद, आना ना भूलिएगा। और हाँ एक बात और कि आप लोग इसे शेयर कर दो, ठीक है ना, शेयर करना ना भूलना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।